अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेलीप्राइम में डेबिट नोट वाउचर क्या है और उसमें परचेस रिटर्न की ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से डेबिट नोट वाउचर के बारे में समझ लेते हैं। जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण से, जैसे माल खराब हो, जिस क्वालिटी के माल का ऑर्डर दिया था वैसा माल ना हो, या किसी अन्य कारण से खरीदा हुआ माल पूरा या आंशिक रूप से सप्लायर को वापस कर दिया जाता है, तो कस्टमर के लिए ये परचेज रिटर्न कहलाता है। और इस तरह की परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय परचेज में से कम किया जाता है, इसलिए परचेज रिटर्न का लेजर परचेज अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत ही बनाया जाता है। कई बार कस्टमर को खरीदे गए माल में कोई शिकायत होती है तो वो सप्लायर को उस शिकायत के बारे में बताता है। सप्लायर उस शिकायत से सहमत होकर भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देने की सहमति प्रदान करता है, तो इस तरह की छूट की राशि को भी कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट नोट वाउचर के इस उपयोग को हम आगे जीएसटी के साथ समझेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने बताया था परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर क्या हैं और उनमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हमने आपको परचेस वाउचर वाली वीडियो में बताया था कि परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर मुख्यतः माल यानी गुड्स से संबंधित हैं। साथ ही इन चारों वाउचर्स में समान रूप से उपयोग होने वाली कई जानकारियां भी दी थी। उन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए परचेस वाउचर वाली वीडियो जरूर देख लें। आइए अब परचेस रिटर्न का एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। हमने सुरेश एंड कंपनी के इनवॉइस नंबर 310 दिनांकित यानी डेटेड 2 जुलाई 2020 से जो माल उधार खरीदा था उसमें से एक नग सोनी टीवी 20 इंचेस जो कि हमने 21,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीदा था ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसे हमने 31 जुलाई 2020 को डेबिट नोट वाउचर बनाकर वापस कर दिया यानी परचेज रिटर्न कर दिया। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने टैली में अपनी कंपनी ओपन कर ली है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि जिस तारीख को ट्रांजैक्शन होता है टैली में उसे उसी तारीख में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम यहीं से F2 की प्रेस करके करंट डेट बदल लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। अकाउंटिंग वाउचर के लिए V प्रेस करेंगे। डेबिट नोट वाउचर के लिए या तो ऑल्टर और F5 की प्रेस करें या फिर यहां दिखाई दे रहे राइट साइड बटन बार में यहां पर क्लिक करें और अब यहां से डेबिट नोट पर क्लिक करें। देखिए डेबिट नोट वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि ये विंडो एज वाउचर ओपन हुई हो तो चेंज मोड की सहायता से इसे आइटम इनवॉइस कर लें। हमें जिस तारीख में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है वो तारीख हम पहले से ही करंट डेट में बदल चुके हैं, इसलिए यहाँ हमें तारीख बदलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में उस सप्लायर का नाम सेलेक्ट करें जिसे माल वापस करना है। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें कि यदि सप्लायर गुड्स रिटर्न के साथ ही हमें उस माल का पेमेंट कैश या चेक से हाथों हाथ कर देता है तो फिर पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी के नाम की जगह उसने जिस तरह से पेमेंट किया है उसका लेजर, जैसे कि यदि कैश पेमेंट कर दिया है तो कैश अकाउंट, और यदि सप्लायर ने हाथों हाथ चेक दिया है तो उस बैंक का अकाउंट सिलेक्ट करना होगा जिसमें हम उसका दिया हुआ चेक डिपॉजिट करने वाले हैं। हम पार्टी अकाउंट नेम में सुरेश एंड कंपनी का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करते ही डिस्पैच डिटेल्स की विंडो आएगी। इसमें आप जिस तरह से माल वापस कर रहे हैं उसकी डिटेल्स देनी होगी।
अब यहाँ नीचे ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के आगे सप्लायर का वो बिल नंबर टाइप करना है जिस बिल का माल हम वापस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ उस बिल की तारीख टाइप करें। अब एंटर प्रेस करें। देखिए पार्टी डिटेल्स वाली विंडो आ रही है। यदि आपको कोई चेंजेस करना हो तो वो कर लें। हमें कोई चेंजेस नहीं करना है तो हम कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ ध्यान रखें कि यदि डिस्पेच डिटेल्स, ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स या पार्टी डिटेल्स वाली विंडो नहीं आ रही हो तो आप मोर डिटेल्स की सहायता से इन्हें ला सकते हैं। वैसे इनके बारे में हम विस्तार से आपको सेल्स वाउचर वाली वीडियो में बता चुके हैं। क्योंकि हम माल वापस यानी परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ लेजर अकाउंट के सामने हमें परचेज रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करना होगा जो कि बना हुआ नहीं है। इसे बनाने के लिए अल्टर और सी कीज को प्रेस करें। अब यहाँ नेम में टाइप करें परचेज रिटर्न और अंडर में परचेज अकाउंट्स ग्रुप सिलेक्ट करें। अब इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। नेम ऑफ आइटम में वो आइटम सिलेक्ट करें जो आप वापस कर रहे हैं। यहाँ उसकी क्वांटिटी टाइप करें और यहाँ उसका रेट टाइप करें। अब यदि एक से ज्यादा आइटम्स वापस कर रहे हो तो इसी तरह आप उन्हें भी यहाँ ले लें और अंत में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें। इसके बाद नरेशन में माल वापस करने का कारण टाइप करें जिससे भविष्य में कभी जरूरत होने पर आपको ये मालूम हो सके कि आपने ये माल वापस क्यों किया था। नरेशन डालने के बाद इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए अब इस डेबिट नोट वाउचर की प्रोसेस को शॉर्ट में देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वाउचर पर जाने के लिए वी की प्रेस करें, फिर ऑल्टर और F5 की को प्रेस करके डेबिट नोट वाउचर में चले जाएं। यहां से आइटम इनवॉइस में जाएं, F2 की प्रेस करके डेट चेंज करें। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करें, डिस्पेच डिटेल्स डालें, फिर ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स डालें, पार्टी डिटेल्स डालें, उसके बाद लेजर अकाउंट सिलेक्ट करें, नेम ऑफ आइटम लें, उसकी क्वांटिटी डालें, रेट डालें। यदि बिल में एक से ज्यादा आइटम्स हों तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें, नरेशन डालें और अंत में विंडो को एक्सेप्ट कर लें। इस वीडियो में हमने आपको डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं।